को नहीं खेली है, संतुलित गेम खेला है, जब मौके मिले दो लेग अटैक किए, दोनों से दो दो पॉइंट ले लिए, यानी कि कंट्रोल्ड अग्रेशन एडी कोरोई ने दिखाया है। अंशु मलिक ने अब तक एक भी अग्रेसिव मूव नहीं दिखाया है। 3 मिनट बाकी हैं और 3 मिनट रेसलिंग में एक बहुत बड़ा समय होता है वापसी करने के लिए। एक मूव आपका सही पड़ गया तो जीत सकते हैं। तो तनेजा भाई ये कह सकते हैं न्यू रेसलर पे अनुभव भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, प्रतिभा पर अनुभव भारी पड़ रहा है, हालांकि प्रतिभा उधर भी है ओडू कोरोई के पास। बहुत दिग्गज पहलवानों में इनकी गिनती होती है और नाइजीरिया से बहुत अच्छे अच्छे रेसलर निकल कर आते हैं। फिलहाल तो सिर से सिर भेड़े हुए ओडू नायो कोई अवसर नहीं दे रही अंशु को नीचे आके अटैक करने का, और अगर ऐसे ही स्थिति चलती रही तो शायद किसी को पैसिव डिक्लेयर किया जाए, कुश्ती ब्लॉक करने के लिए एक वार्निंग बनती है ओडू नायो को, रेफरी ने दे दी है कि आप कुश्ती को ब्लॉक ना करो। ब्लॉक करना यानी हाथों को पकड़ के कुश्ती को रोकना। अंशु मलिक को पहले अटैकिंग मूव का इंतजार है, पहली ग्रिप का इंतजार है, और भारत को बर्मिंगम 2022 में रेसलिंग से पहले गोल्ड का इंतजार है। और ये तो खैर जो भी लोग रेसलिंग फॉलो करते हैं जानते थे कि यहां से गोल्ड के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, असंभव नहीं है। लेकिन ओडू नायो बहुत खतरनाक रेसलर हैं और देख लीजिए आउट एंड आउट अग्रेसिव अभी भी नहीं है, वो अभी भी सिर्फ टाइम निकाल रही है, लीड अपने पास रखना चाहती है। क्या पैसिविटी मिलेगी? 30 सेकंड एक्टिवेट टाइम में डाल दिया गया है, डिफेंसिव एक वार्निंग पहले मिल चुकी थी। अगर 30 सेकंड में नाइजीरियन रेसलर अंक नहीं लेती है तो एक अंक अंशु को बचा, लेकिन वो एक अंक पर्याप्त नहीं होगा, अंशु को अटैक करना पड़ेगा। ओडू नायो ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट लूज करेंगी अगर बचे हुए 18 सेकंड में उनको अंक ना मिला। अगर रेफरी को लगे कि कोई एक रेसलर ज्यादा डिफेंसिव हो रहा है तो वो उसको पैसिव डिक्लेयर कर देते हैं, फिर अगले 30 सेकंड में उसको पॉइंट लेना पड़ता है, नहीं तो विरोधी को एक अंक मिलता है। तो एक अंक मिल भी गया अगर अंशु को तो ये काफी नहीं है, क्योंकि 1 मिनट अभी बाकी है, लीड अभी भी ओडू नायो के पास है, अंशु ने खाता जरूर खोल लिया है और अच्छी तरह टाइम पास कर रही है। दोनों हाथों से एक हाथ को पकड़ के ओडू नायो समय बर्बाद कर रही है। यहाँ पर अंशु को चाहिए कि मैक्सिमम अटैक करे, कहीं ना कहीं वो टाइम पास करने का तरीका बहुत अच्छा बना रखा है। लेकिन इस बार रेफरी ने वार्निंग दी कि आप ब्लॉक नहीं करें, आप कुश्ती करें, आप कुश्ती से भागे नहीं, यहाँ आप डिफेंसिव नहीं हो सकते। ओ, फिर से लेग अटैक है, ओडू नायो का ही अटैक है। टेक डाउन की पोजीशन अभी तो नहीं बनी है, लेकिन अगर इसी पोजीशन में भी उन्होंने कुछ सेकंड निकाल लिए तो गोल्ड अपना पक्का कर लेंगी। और अगर कहीं कोच से इंस्ट्रक्शन मिल रही है, क्योंकि पूरी तरह से अब कंट्रोल में वो आने वाली है, पॉइंट का दाव अभी तक लगा नहीं है, अब संभवतः है कोशिश होगी उनकी। 2 पॉइंट मिल गए क्योंकि अपने लिप छुड़ा दिए अंशु से, 6-1 और बचे हुए 20 सेकंड है। गोल्ड मेडल की तरफ बहुत मजबूती से कदम ओडू नायो का, बिल्कुल अचानक प्रहार कर दिया है अब। और यहां से तो फीसले घुमाइए, और कोई चारा नहीं है, 2 ही पॉइंट मिल पाएंगे, 6 सेकंड बाकी है। लीड ओडू नायो के पास, दोबारा से स्टैंडिंग पोजीशन में जाना पड़ेगा क्योंकि आप चले गए थे ऑरेंज जोन में, पैसिविटी जोन में, यहां से वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे और 6 सेकंड काटने हैं ओडू नायो को। 1 पॉइंट और मिल गया, बिल्कुल कॉशन और पॉइंट मिला है, जोन से बाहर भागने का। अंशु को 2 पॉइंट कम से कम चाहिए, 2 पॉइंट अगर लेती है तब भी मुझे लगता है बात बनेगी नहीं, क्योंकि बराबर स्कोर पे ओडू नायो के स्कोर बड़ा होगा। उसकी नौबत नहीं आई, अंशु ने आखिरी 30 सेकंड में अग्रेशन दिखाया, पॉइंट बटोरे, लेकिन गोल्ड मेडल बटोर कर ले गई नाइजीरिया की ओडू नायो।